तुम्हारा नाम? आजादी। आजादी नहीं, बगावत कहो। बगावत हाकिम वक्त के खिलाफ की जाती है, मगर ना तुम हमारे हाकिम हो ना हम तुम्हारे महकूम। ये खुली बगावत है। अगर वतन के लिए लड़ना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर हक के लिए बातिल से टकराना बगावत है तो मैं बागी हूँ। अगर इस्लाम को कुफ्र से बचाना बगावत है तो मैं बागी हूँ। बागी की सजा जानती हो? मौत। तुम मौत से नहीं डरती? अगर मौत से डरती तो आज तुम्हारे सामने जंजीरें पहने ना खड़ी होती। लड़की। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें औरत से बात करने की तमीज नहीं दिखाई? खामोश। तुमने सरखान बनकर हमको धोखा दिया। जरब को बचाने के लिए। तुमने जरब को क्यों बचाया? इसलिए कि हमारा रास्ता भी एक, मंजिल भी एक और मकसद भी एक है। तुम्हारा सरखान से क्या ताल्लुक है? वही ताल्लुक जो खुशबू का फूल से, रूह का बदन से और मौज का साहिल से होता है। तुम जरब खान का साथी है? हाँ, जरब खान मेरा साथी है। देखो, अगर तुम बागियों के ठिकाने का पता बता दो तो हम तुम्हें इतनी दौलत देगा कि सारी जिंदगी ऐश करो। देंगी। क्या विलायत में अंग्रेज लड़कियाँ अपनी आजादी के मतवालों को भी बेच डालती है? जरब खान को समझा दो कि वो सल्तनत इंग्लिशिया से टक्कर लेना छोड़ दे, हम उसे माफ कर देगा और तुमको भी आजाद कर देगा। ये तो उस लड़की से कह रहे हो जिसने वतन की आजादी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। ये तुम उस बेटी से कह रहे हो जिसने अपने वतन के लिए अपने माँ बाप का कुर्बान कर। ये तुम उस मुजाहिदा से कह रहे हो जिसने अपना आखिरी सांस तक आजादी के लिए वक्त कर रखा है। खुदा की कसम, तुम मेरा खून का आखिरी सांस तक छोड़ दो, तब भी मैं अपने साथियों से गद्दारी नहीं करूंगी। पागल न बोलो लड़की, तुम्हारी इज्जत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे अंजाम से डराते हो फरंगी? इस चेहरे की तरफ देखो जिस पर तुम्हारे सभी सिपाहियों के तमाचों और संगीनों ने आजादी की रंगीन दास्तान लिख दी है। इन आंखों में झांक कर देखो जिनसे आज भी तुम्हारे जुल्म के खिलाफ नजर का झंडा उठ रहा है। ये सीना देख कर देखो जिसमें आज भी इंतकाम की आग भड़क रही है। ये आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम खुद इसमें जलकर खाक हो जाओगी। गुलामी की जिंदगी से आजादी की आग में जन्मना हजार दर्जे बेहतर है। आजादी ही नहीं, साजे बरतानिया की दोस्ती। फरंगी हुकूमत में इज्जत और अंग्रेज कौम की बेशुमार दौलत, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। फरंगी, तुम किसी भिखारन से नहीं पहाड़ों की बेटी से मुखातिब हो। दौलत का लालच किन दौलतों को दो जिन्होंने अपनी आजादी का सामना कर लिया है। दौलत का लालच किन जमीन फरोशों को दो जिन्होंने अपनों को दगा देकर गैरों से दोस्ती का रिश्ता बांधा है। दौलत का लालच इन गद्दारों को दो जिन्होंने कौम के सीने पर गोलियां चलाकर अपने सीनों पर झूठी अपना के टुकड़े सजा रखे। हाथ क्यों रोक लिया फरंगी? क्या इन बगैतों से डर गए जिनके हाथ गुलामी की जिंदगी ने पैर ही तोड़ कर रख दिए हैं? तुम अपना खेल जारी रखो क्योंकि तुम मजारी जिस कौम के नौजवान गैरों की गुलामी कबूल कर ले जिल्लत की जंजीरें उनके माता का हत्या बन जाता है। जिस कौम के नौजवान दुश्मन की वर्दी पहन ले अस्मत की चादरें उनकी बहनों के जिस्मों में सांस ली जाती है। जिस कौम के नौजवान दौलत की तराजू में तुल जाए इज्जत और नामूस उनकी बेटियों की लाठी पर मातम करते हैं। खुदा की कसम अगर इसे अब तुमने कुछ कहा तो वो हाथ जो आज तक तुम्हें सलाम करने के लिए उठता रहा है तुम्हारे